हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू द न्यू वीडियो। और ये वीडियो में मैं छोटी सी एक फ्रिक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन है, और मेरे काफ़ी सारे व्यूअर्स ने ये जानने की कोशिश की थी कि सर क्या सेल्फ फाइनेंस कॉलेज के लिए राउंड 3 होगा, और सेल्फ फाइनेंस कॉलेज के बाद राउंड 2 की क्या प्रोसेस रहेगी, उसके ऊपर एक आप वीडियो बनाए और उसके ऊपर हमें एक्सप्लेन कीजिए। ऑल राइट, सो ये वीडियो आप सभी के लिए होने वाला है, और जिन स्टूडेंट्स को सेल्फ फाइनेंस में जाना है राउंड 3 में, तो क्या प्रोसेस रहेगी, क्या करना होगा, वो सब कुछ हम है वो आज के वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है। अब देखिए दोस्तों, सबसे पहले तो मैं यहाँ पे आपको क्लियर कर दूं कि फॉर सेल्फ फाइनेंस कॉलेज देयर इज नो एनी राउंड नंबर 3। यानी कि अगर मैं आपको फिर से रिपीट करूं कि राउंड नंबर 3 सेल्फ फाइनेंस कॉलेज के लिए बिल्कुल भी नहीं होने वाला है। राउंड 3 किन स्टूडेंट्स के लिए होगा? राउंड 3 सिर्फ उन्हीं स्टूडेंट्स के लिए होगा कि जिन लोगों को गवर्नमेंट और ग्रांटेड कॉलेज में जाना है, उसी स्टूडेंट्स के लिए यहां पे ACPC की वेबसाइट के ऊपर राउंड 3 होने वाला है। तो अब यहां पे आपके दिमाग में यही सवाल आएगा, तो फिर सर हमें क्या करें, मुझे तो राउंड 3 में सेल्फ फाइनेंस में जाना है। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे आपका आंसर ये रहेगा कि आपको यहाँ पे राउंड 3 में सेल्फ फाइनेंस में जाना है, तो फिर यहाँ पे राउंड 3 नहीं होने वाला है। उसके सामने आपको क्या करना पड़ेगा कि मान लीजिए कि देयर आर 5 कॉलेज की आपको उसमें जाना है, और ये सारी की सारी प्राइवेट कॉलेज है, तो उसकी हर एक कॉलेज में आपको यहाँ पे इंक्वायरी करनी होगी कि राउंड 3 की किस तरह से प्रोसेस रहेगी। अब यहाँ पे अभी थोड़ी सी देर है राउंड 3 को, थोड़ी सी नहीं काफी सारी देर है, तो यहाँ पे ACPC तो जनरली बोलेगा, बट पिछले साल का सिनेरियो इस तरह से था कि मान लीजिए कि यहाँ पे 5 कॉलेज है, ठीक है। अब यहाँ पे एक जो स्टूडेंट है उसको ये सारी 5 कॉलेज में जाना था, उसको राउंड 2 के बाद हर एक कैंपस में विजिट किया, वहां पे इंक्वायरी की, वहां पे पूछा कि क्या ऑफलाइन मतलब जो बची हुई सीट है उसके ऊपर किस तरह से एडमिशन किया जाता है। तो सभी कॉलेज के अंदर उसने यहाँ पे अपने एप्लीकेशन फॉर्म भरे, और उसके बाद यहाँ पे उसने राउंड 3 के लिए अप्लाई किया था। तो इसको आप राउंड 3 बोलना चाहो तो राउंड 3 बोल सकते हो, ऑफलाइन राउंड बोलना तो ऑफलाइन राउंड बोल सकते हो, डायरेक्ट कॉलेज एडमिशन बोलना है तो डायरेक्ट कॉलेज एडमिशन बोल सकते हो, आपको जो भी बोलना है वो बोल सकते हो। बट यहाँ पे मैंने आपको प्रोसेस समझा दिया है कि किस तरह से आपकी यहाँ पे प्रोसेस रहने वाली है फॉर द राउंड नंबर 3, कि आपको यहाँ पे क्या करना होगा राउंड नंबर 3 के लिए। तो यहाँ पे सेल्फ फाइनेंस की बात हो रही है, गवर्नमेंट और ग्रांटेड के लिए मैं एक सेपरेट वीडियो बना दूंगा, बट फॉर दिस वीडियो वी आर जस्ट गोइंग टू फोकस ऑन ओनली फॉर सेल्फ फाइनेंस कॉलेज। मान लीजिए कि यहाँ पे पहली थी मारवाड़ी, दर्शन, PDPU, VVP और आत्मीय, ये सारी कॉलेज में जाना था, तो आपको हर एक सेल्फ फाइनेंस कॉलेज विजिट करना होगा। उसके बाद वहाँ पे जानना होगा कि एडमिशन डिपार्टमेंट में आपको जाना होगा, वहाँ पे आपको इंक्वायरी करनी होगी कि किस तरह से जितनी भी सीट्स खाली पड़ी हुई है उसमें किस तरह से आपको एडमिशन मिल सकता है, तो ये आपको यहाँ पे प्रोसेस फॉलो करनी होगी। तो ये सारा था सेल्फ फाइनेंस कॉलेज के लिए। अब इसके बाद यहाँ पे मेरे पास एक और आपके लिए सजेशन है, और सजेशन मेरा ये रहेगा कि यहाँ पे आप मान लीजिए कि आप रहते हो राजकोट के अंदर और आपको यहाँ पे एडमिशन लेना है सूरत के अंदर, तो राजकोट से सूरत काफी दूर है, अराउंड 10 घंटे का ट्रेन के अंदर टाइम रहता है, और बाय रोड जाए तो यहाँ पे 8 से लेके 9 घंटे तक आपको देने होंगे, ठीक है, सूरत के लिए। तो फिर यहाँ पे मेरा सुझाव ये रहेगा कि यहाँ पे मान लीजिए कि आपको जाना है सार्वजनिक यूनिवर्सिटी में, सार्वजनिक कॉलेज में, तो आप यहाँ पे राजकोट में ही घर बैठे बैठे इंक्वायरी कर सकते हो ईमेल आईडी पे या फिर फोन नंबर के ऊपर कि देखिए मैं राजकोट से हूँ, मेरा इस तरह का है, मुझे यहाँ पे आपकी जो जितने भी बची हुई सीट्स है उसके ऊपर एडमिशन लेना है, तो आपकी क्या प्रोसेस रहेगी। जनरली प्राइवेट कॉलेज होती है उसमें हेल्पलाइन नंबर पे कोई ना कोई फोन आपका उठाता है और आंसर देने के लिए कोई ना कोई बैठा ही रहता है, जनरली मैंने ये देखा है कि प्राइवेट कॉलेज में देते हैं। उसके सामने अगर गवर्नमेंट और ग्रांटेड की बात करें तो यहाँ पे आपकी रिंग बजती ही जाती है, बट बहुत ही कम चांस में सामने कोई पर्सन बैठा होता है कि जो फोन उठाता है, ठीक है। तो यहाँ पे प्राइवेट के लिए मेरा सुझाव ये रहेगा कि सबसे पहले आप इंक्वायरी करो बाई ईमेल और बाई कॉल, तो उसके बाद आप यहाँ पे कर सकते हो। अब ईमेल के लिए मैं यहाँ पे आपको फॉर्मेट बता दूंगा, तो उस तरह से आप ईमेल कर सकते हो, ठीक है। सो इसके अलावा तो मुझे कुछ जनरली आपको कहना नहीं है, सिर्फ इतना ही कहना था कि किस तरह से आपका सेल्फ फाइनेंस कॉलेज में जाना होगा राउंड 3 के लिए, क्या प्रोसेस रहेगा। अब इसके अलावा यहाँ पे जनरली 90% से भी ज्यादा मेरा कॉन्फिडेंस है कि यही प्रोसेस होगा, बट 10% अगर ACPC ने कुछ चेंज किया होगा तो हो सकता है। अब यहाँ पे आप ये बोलोगे कि सर आपने यहाँ पे पूरी प्रोसेस समझा दी, और उसके बाद आप आखिर में बोल रहे हो कि 10% चांसेस है कि बदल सकता है। तो देखिए, बदल सकता है इसका मतलब क्या कि मतलब बहुत ही रेयर चांसेस है, प्रोसेस पूरी की पूरी ऐसी ही रहने वाली है, मतलब इस तरह से मैंने जिस तरह से समझा है उस वैसे ही रहने वाली। बट हाँ, यहाँ पे हो सकता है कि आपको टोकन फी में थोड़ी सी मतलब रिफंड में दिक्कत हो सके, उसमें रूल्स चेंज हो सके, बाकी प्रोसेस सेम ही रहने वाली है। ऑलराइट दोस्तों, सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। इफ यू एनी डाउट्स देन आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन। थैंक यू, बाय बाय।